जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2018 वेरिएंट 42। ठीक है, आपका अपने वेरिएंट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। एक्सप्लेन व्हाई एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। व्हाई द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? तो हमें पता है W इज इक्वल टू एम जी होता है एंड F इज इक्वल टू क्या होता है एम ए। व्हेन फोर्स इज इक्वल टू वेट तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। ओके, वाई एट द सरफेस द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो इसी को एक्सप्लेन कर देंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास और एक्सेलरेशन में ही होता है। एक्सेलरेशन में ही होता है, फोर यूनिट मास होगा तो एक्सेलरेशन में ही होता है। इसी को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा बेटा, बी पार्ट बेटा, एन आइसोलेटेड यूनिफॉर्म स्फेरिकल प्लैनेट ओके As radius r, the acceleration of free fall at the surface of planet is g. On figure 1.1, sketch the graph to show the variation with the acceleration of free fall with the distance r from the center of planet from r to 4r. An isolated uniform spherical planet, okay, uniform spherical planet, iska radius r hai, has acceleration of free fall at the surface is g. Surface ke upar g hai. ओके जी, ऑन फिगर 1.1 स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन विद एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल विद डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लैनेट टू द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द रेंज आर टू फोर आर। ओके, आर पे उसकी वैल्यू कितनी है, जी जी की जी का क्या रिलेशन होता है, जी इज इक्वल टू क्या होता है, जीएम ओवर आर स्क्वायर, जीएम ओवर आर स्क्वायर। जब ये r से 2r होगा ये हाफ नहीं होगा, हाफ का भी हाफ 2.25 हो जाएगा। इस पॉइंट से इनवर्स रिलेशन, ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, 9 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 9 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.11, 0.25, 4R हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/16, 0.065 ज्वाइन करेंगे तो ये इनवर्स वाले। आप और प्रिसाइजली चेक कर सकते हैं इसके लिए। जी जनाब, उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसको इरेज कर रहा हूं। द प्लैनेट आर, उसका रेडियस गिवन है आपको, द मीन डेंसिटी गिवन है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल एट द हाइट अबव। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल एट द हाइट आर अबव द सरफेस। यहां से सरफेस से आर अबव इस जगह पे आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ये भी आर के इक्वल है। मेन डेंसिटी के माने कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल एट द एस, बेसिकली जी निकालना है। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ओवर आर स्क्वायर। ओके, डेंसिटी के बने मैथ भी निकाल लेंगे, जी भी आ जाएगा और आर भी आ जाएगा। मैथ होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी होता है ना मैथ और वॉल्यूम, तो मैथ किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³। वैल्यू डाल दो, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, इसके लिए क्या आ जाएगा, 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 πr³
ये सब वैल्यूज हैं, जी भी है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, डेंसिटी भी गिवन है आपको 4.9 इंटू 10 पावर 3, और आपको आर इसको मीटर में लेंगे, ये हो जाएगा रेडियस 3.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, मीटर में लेंगे। सब वैल्यूज डालते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो यार ये 0.95 मीटर स्क्वेयर, 0.95 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, सबको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा बेटा। तो आंसर आ रहा है 0.95 मीटर। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट व्हाट इज मेंट बाय आइडियल गैस। क्या होती है जी आइडियल गैस? ऐसी गैस विच ओबेज ऑल द गैस लॉज एट ऑल प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम्स, विच ओबेज पीवी इक्वल टू एनआरटी एट ऑल प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इसके बाद फिर आप एक्सप्लेन में 2 मार्क्स से बता दीजिएगा, पी क्या, वी क्या, आर क्या। एन आइडियल गैस कंप्राइज्ड ऑफ सिंगल एटम इन अ कंटेन इन अ सिलेंडर हैज अ वॉल्यूम दिस मच, प्रेशर दिस मच, द मास ऑफ गैस इज दिस मच, डिटरमिन टू 3 6 फीट द रूट मीन स्केल स्पीड ऑफ द एटम ऑफ द गैस। रूट मीन स्केल स्पीड निकालनी है आपको, रूट मीन स्केल स्पीड निकालनी है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्केल स्पीड, ये लग सकते हैं डेंसिटी गिवन है, मास और वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पे आ सकता है ना, और इसको सब्जेक्ट बनाना 3PV ओवर m, और अब रूट मीन स्केयर निकालने तो अंडर रूट ले, प्रेशर के वन है, वॉल्यूम के वन है, मास के वन है, और ये वैल्यूज डालेंगे तो रूट मीन स्केयर कैसे आ जाएगी, वी आर एम एस इज इक्वल टू 3P ओवर m का स्केयर रूट 3, व्हाट इज प्रेशर की वैल्यू 2.12 इंटू 10 पावर 7, व्हाट इज वॉल्यूम की वैल्यू 1.84 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, व्हाट इज मास की वैल्यू 3.2 का स्केयर रूट। यार ये 605 मीटर पर सेकेंड, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 605 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अच्छा भाई सब कुछ करेंगे तो 605 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 22 डिटरमिन टू 3 6 फीट द अमाउंट इन मोल्स। टेम्परेचर के बने मोल्स निकालना है, पी वी जीरो एनआरटी, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, आर भी पता है आपको, तो आ रहा है 159 मोल्स। द मास ऑफ वन आइटम ऑफ गैस क्या आ रहा है, 159 मोल्स टोटल मास ऑफ वन एटम कैसे आएगा, टोटल मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, टोटल मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, टोटल मास 3.2 के जी था, 3.2, और नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे, मोल्स पता है ना आपको, 1.59 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23 है वो कैटल मास।3.34 into 10 power minus 25. अच्छा बेटा अगला पार्ट, यूज योर आंसर्स इन पार्ट बी टू डिटरमिन द न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ एन एटम ऑफ अ गैस। न्यूक्लियॉन नंबर निकालनी है आपने, न्यूक्लियॉन नंबर निकालनी है। अच्छा हमें मास पता है, कितना है 3.34 into 10 power
-25 है कि 26 है, अनक भी नहीं है मेरे पास, रुको। -26 थी बेटा, 3.34 × 10⁻²⁶, ये जो आंसर था ना कैलकुलेटर, ये मार्किंग स्किप से देख के बेटा कॉन्सेप्ट तो वही है ना, -26 ये था। सॉरी, अब हमें क्या निकालना है, न्यूक्लियॉन नंबर निकालना है। न्यूक्लियॉन नंबर कैसे आते हैं, एक न्यूक्लियॉन नंबर कितना होता है, 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू 3.36 × 10⁻²⁶ डिवाइडेड बाय 1.66 × 10⁻²⁷। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऑलमोस्ट 20 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, यू फाइंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ जी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एनर्जी पर यूनिट मास बोलें, रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है बताएंगे। अ स्टूडेंट सेट्स अप द अपैरेटस टू इन्वेस्टिगेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, प्योर मेल्टिंग आइस डाल दी, बीकर डाल दिए, वाटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, बैटरी है, द हीटर इज स्विच्ड ऑन व्हेन द प्योर आइस इज मेल्टिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट, डाटा गिवन है, वोल्टमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग, इनिशियल बीकर, इनिशियल मास ऑफ बीकर प्लस वाटर इतना है, फाइनल मास ऑफ बीकर इतना है, और टाइम कलेक्शन 5 मिनट का टाइम। द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 332 जूल्स पर ग्राम। स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व बाय द स्टूडेंट दैट शोज दैट आइस इज मेल्टिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट। कैसे पता चलेगा आइस इज मेल्टिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट, तो इक्वल चेंज इन बैलेंस को बैलेंस कर देते हैं, इक्वल चेंज इन मास इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो पहले एक मिनट में देखेगा कितना मास में इंक्रीज आया, फिर अगले मिनट में देखेगा, फिर अगले मिनट में देखेगा, तो फिर इस तरह चल जाएगा, मास की रीडिंग लेता रहेगा रेगुलर टाइम इंटरवल पे, अगर इक्वल मास में चेंज आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो आइस इज मेल्टिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट। उसके बाद क्या कहते हैं, यूज द डेटा टू डिटरमिन द रेट एट विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द मेल्टिंग आइस, रेट पावर निकालना है, थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द मेल्टिंग आइस, ओके, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द, पावर निकालनी है, इज इक्वल टू रेट से तो आ सकती है ना, कॉन्स्टेंट हो दे रही है, कॉन्स्टेंट रेट में मेल्ट हो रही है, रेट ऑफ ट्रांसफर हीट आप इज इक्वल टू वी से निकाल सकते हैं ना, पावर ही होती है यार जी, बिल्कुल, तो रेट जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी बन रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो पावर निकालना है, वी इंटू आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, द थर्मल एनर्जी इज गेन बाय द सराउंडिंग्स, ओके, थर्मल एनर्जी गेन बाय द सराउंडिंग। अब हम देखते हैं कि हम तो इस रेट पे पावर दे रहे हैं ना, तो उसको उस आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उससे ज़्यादा तो बाकी सराउंडिंग से ले रही है, ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस, पावर रेट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, रेट ऑफ एनर्जी required to melt the ice, कितनी आई, ML/T, कितना मास मेल्ट हुआ है, और लेटेंट हीट भी पता है, टाइम 5 मिनट है, ये निकालते हैं, 185 − 121 121.5, यहाँ पे 5 आ गया, पॉइंट आ गया, 5 4 में से 3 आ गया, और यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पे 6 आ गया, 63.5
into 3, 32, divided by 5 million, 5 into 60. सॉल्व करते हैं इसको. थ्री पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय 332 डिवाइडेड बाय 300 70.3 वॉट चाहिए था इस तरह मेल्ट होने के लिए. वो कितनी दे रहा था पी इक्वल टू वी से कितना आंसर आया था 58.9 वॉट्स. 58.9 वॉट्स हीटर दे रहे हैं उसको टोटल मिल कितनी रही है 70 वॉट्स. हीटर दे रहा था इसका तो बाकी सराउंडिंग दे रही है उसको इतनी ही मिल रही है. हीटर तो इतनी दे रहा है तो बाकी सराउंडिंग से मिल रही है तो सराउंडिंग कितनी दे रही है 70.3 भाई आइस को मेल्ट होने के लिए इतनी पावर मिल रही है. हीटर तो इतनी दे रहा है बाकी सराउंडिंग दे रही होगी ना माइनस 58.9 माइनस करेंगे तो बड़ा आंसर आ जाएगा 11.4 वॉट्स आ रहा है 11.4. ठीक है प्रॉफिट ओके आगे चलो. हाँ जी नेक्स्ट मैनोमीटर आ गया. अ यू कंटेनिंग अ लिक्विड एज शोन लिक्विड है अच्छा द टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड इज एल द कॉलम ऑफ द लिक्विड इज डिस्प्लेड द चेंज इन हाइट ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एक्स एज शोन नजर आ रहा है. छोड़ा होगा तो ऑसिलेट करेगा द यू ट्यूब देन ऑसिलेट सच दैट द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस मच शो दैट द लिक्विड कॉलम अंडरगोज SHN. तो आप बोलेंगे कि ये टर्म कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट को हटा दे तो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है. ठीक है जी भी कॉन्स्टेंट है और उसकी लेंथ भी कॉन्स्टेंट है लिक्विड एवेपोरेट तो नहीं हो रहा होगा ना. तो उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट पार्ट कह रहा है बेटा द वेरिएशन विद डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आ रहा है यूज द डेटा डिटरमिन द लेंथ हमने लेंथ निकाल लेंगे. ओके इक्वेशन क्या गिवन है आपको ए इज इक्वल टू माइनस टू जी ओवर एल इंटू एक्स आपको पता है ये चीज़ किसके इक्वल होती है SHM में ये चीज़ किसके इक्वल होती है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ये ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है. तो हमें पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g ओवर एल ओमेगा क्या होता है 2 पाई ओवर टी होल स्क्वायर 2g ओवर एल. तो जब आप टाइम पीरियड आ रहे हैं तो टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टाइम में हो रहा है 0.5 टाइम पीरियड आ गया 0.5 सेकेंड तो 2b है पाई भी है टाइम पीरियड भी है जी भी है लेंथ आ जाएगी. ठीक है हम ग्राफ से निकाल लेंगे लेंथ तो उसकी लेंथ की वैल्यू आ रही है 0.12 वैल्यू डाल दिए बेटा बहुत आसान है. उसके बाद क्या कहते हैं द ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड सजेस्ट वन कॉज ऑफ डैम्पिंग विस्कोसिटी हो सकती है इसकी विस्कोसिटी फ्रिक्शन हो सकती है विद इन द लिक्विड विद द वॉल्स ऑफ द विस्कस ड्रैग वगैरह हो सकती है. अच्छा कैलकुलेट द रेशियो द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन आफ्टर 1.5 सेकेंड टू टोटल इनिशियल एनर्जी. अच्छा 1.5 सेकेंड पे एम्पलीट्यूड कितना है और इसका इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है ये चेक करें. इनिशियल एम्पलीट्यूड 2 है और 1.5 सेकेंड पे इसका एम्पलीट्यूड कितना है फिर लिखना है ये इनिशियल एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है एक्स नौ 2 है एक्स 1 कर लेते हैं इसको 1.5 पे कितना है 0.85. हाँ जी टोटल एनर्जी 1.5 सेकेंड के बाद क्या होता है हाफ एन ओमेगा स्क्वायर एक्स 1 स्क्वायर ओवर हाफ एन ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर. ये तो कट जाएगा सारा एक्स वन 0.85 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर. तो कितना आ रहा है चेक करें, 0.85 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. गलती की हमने एम्पलीट्यूड पढ़ने में. हाँ जी, क्या निकालना है? रेशियो टोटल एनर्जी आफ्टर 1.7 सेकेंड, 1.5 सेकेंड एंड टोटल इनिशियल एनर्जी. इनिशियल एम्पलीट्यूड तो 2 है और फाइनल एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 0.85 नहीं है, चेक करो दोबारा, एक मिनट निकल गया. टाइम कितना पूछा उसने, 0.15. टोटल एनर्जी आफ्टर 1.5 ऑसिलेशंस, मैं 1.5 सेकंड पढ़ रहा हूँ, सॉरी यार, 1.5 ऑसिलेशन पे कितनी एनर्जी होगी, सॉरी 1.5 ऑसिलेशंस कहाँ पे कंप्लीट होंगे? ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 ऑसिलेशन, 1.5 यहाँ पे खत्म हो गई, इधर एम्पलीट्यूड पढ़ो, यहाँ तक 1.5, ये 1 टाइम पीरियड है, ये 0.5 टाइम पीरियड है, ये टोटल 1.5 टाइम पीरियड है, और यहाँ एम्पलीट्यूड कितना है, 1.3. एम्पलीट्यूड कितना है, 1.3, क्या देगा, 1.3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, ये आ रहा है 0.42. सॉरी यार, मैं समझा था वो 1.5 सेकंड पूछ रहा है, वो 1.5 साइकल्स पूछ रहा है, 1.5 साइकल्स, 1.5 यहां से लेके यहां तक 1 साइकिल है और ये बेटा आधा साइकिल है. अच्छा नेक्स्ट प्लीज. क्वेश्चन नंबर 5. इन अ रेडियो कम्युनिकेशन अ रेडियो फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली, इन अ रेडियो कम्युनिकेशन अ रेडियो वेव इज यूज्ड, अ रेडियो वेव इज यूजुअली मॉड्यूलेटेड. क्या हो गया अभी स्टेट, व्हाट इज मेंट बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज ऑफ द सिग्नल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्नल. एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज चेंज इन सिंक्रोनी या विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्नल, बता दीजिए. आगे कहते हैं अ साइन रेडियो वेव कैरियर वेव हैज फ्रीक्वेंसी दिस मच, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, एंड अनमॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड दिस मच. द कैरियर वेव हैज एम्पलीट्यूड दिस मच मॉड्यूलेट, द कैरियर वेव इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज़. ओके, फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव डिटरमिन द वेवलेंथ, डिटरमिन द वेवलेंथ निकालना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की वेवलेंथ निकालनी है. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं करते ना, जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है वही ईएम की फ्रीक्वेंसी है. तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतनी है, तो फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड पता है, तो वेवलेंथ आ देखना, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर एफ, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 900,000. सॉल्व करेंगे तो बेटा वेवलेंथ आ जाएगी 3.3 × 10⁻². डिस्क्राइब द एम्पलीट्यूड वेरिएशन. एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा, आपको पता ना एम्पलीट्यूड वेरिएशन क्यों होता है? ये होती नहीं है, तो एम्पलीट्यूड वेरीज और कितनी दफा वेरी करेगा, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 500, कितने टाइम बाद करेगा, 1/5000 पर सेकेंड. तो उसके एम्पलीट्यूड मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम होगा कितने टाइम बाद, 1/5000 सेकेंड के बाद एम्पलीट्यूड वेरी करेगा. और ये कितने टाइम बाद करेगा, मतलब पहले मैक्सिमम पीक टू पीक जितना इसका टाइम पीरियड है, आपके सिग्नल कैरियर का कैरियर मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिस पर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी है ना, तो ये आपकी सिग्नल वेव होती है ना जब पीक को मिलाई, और ये सिग्नल की यहाँ से टाइम पीरियड आ जाता है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो
तो एम्पलीट्यूड वेरी करेंगे फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम करेंगे, और कितनी बार करेंगे 5000 इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 5000 दफा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट, व्हाट इज स्टेट द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है? 2 टाइम ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी, 2 × 5000 10000। इसके बाद क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन इज sometime made using satellites in a geostationary orbit having a rotation about Earth 24 hours. State two other features apart from period of a geostationary. They are in equatorial orbit में होते हैं और they revolve in the same direction as of Earth. Next. So just why the frequency of order of gigahertz are used for satellite communications. जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो स्मॉलर एंटीना चलेगा। आपको पता है एंटीना साइज क्या होता है? या तो हाफ द वेवलेंथ होता है या 1/4 ऑफ द वेवलेंथ होता है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, लेस डिफ्रैक्शन एंड मोर पेनिट्रेशन। एटमॉस्फेयर में लेस डिफ्रैक्ट होगी और मोर पेनिट्रेशन। अपलिंग फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंग फ्रीक्वेंसी सेम की नहीं होती, टू प्रिवेंट स्वैम्पिंग। आसान हो रही है जी। अपलिंग फ्रीक्वेंसी टू द सेटेलाइट इज डिफरेंट फ्रॉम डाउनलिंग फ्रीक्वेंसी। ये अर्थ है, ये सेटेलाइट होता है, यहाँ पे यू बना रहा हूँ, यहाँ से सिग्नल डिश एंटीना बना रहा हूँ, ऊपर जाता है, फ्रीक्वेंसी अप होती है, और यहाँ पे डिश एंटीना रिसीवर बना रहा हूँ, सिग्नल रिसीव होता है, और ये डाउन होता है, फ्रीक्वेंसी डाउन, ये ज्यादा होती है, ये कम होती है। सेम क्यों नहीं होती बेटा? इसे लार्ज डिस्टेंस कवर करना है, लार्ज डिस्टेंस कवर करना है, उसकी हाई अटेन्युएशन होनी है, हाई अटेन्युएशन, बहुत ज्यादा लॉस होगी, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? नीड्स टू बी एम्पलीफाइड। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है एम्पलीफाई, जो अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो ना तो ज्यादा पावर का सिग्नल कम पावर के सिग्नल को स्वैम्प कर लेते हैं, तो हम इसलिए फ्रीक्वेंसी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट कर देते हैं ताकि स्वैम्पिंग ना हो, क्योंकि इसको एम्पलीफाई तो करना पड़ेगा। अब ये वीक सिग्नल ऊपर जो पहुंचेगा ये वीक होगा, यहाँ पे जो एम्पलीफाई करके आएगा ये स्ट्रांग होगा, तो हम नहीं चाहते ये स्ट्रांग सिग्नल वीक सिग्नल को स्वैम्प कर ले, टू प्रिवेंट स्वैम्पिंग ऑफ लो पावर सिग्नल बाय द हाई पावर सिग्नल, बाय द लो पावर अपवर्ड सिग्नल, अपलिंक सिग्नल बाय द लो पावर डाउनलिंक सिग्नल, उसकी स्वैम्पिंग को प्रिवेंट करने के लिए। लार्ज डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा, काम नहीं होगा, सिग्नल ये यूँ आएगा नीचे, तो स्वैम्पिंग को प्रिवेंट करना। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एट ए पॉइंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हें पता है क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। वैल्यू सेम होती है, साइन का फर्क होता है। टू सिमिलर सॉलिड मेटल्स ए एंड बी ऑफ रेडियस आर आर सिचुएटेड इन वैक्यूम सच दैट देयर सेपरेशन डी इज शोन। दो हैं जी, तो फिर ए पॉजिटिव चार्ज विल बी स्मॉल क्यू चार्ज और इसका रेडियस आर, दोनों का रेडियस सेम है, सिमिलर स्फीयर है, एक पे कैपिटल क्यू चार्ज एक पे स्मॉल क्यू चार्ज। द चार्ज प्लस क्यू एंड इज लार्जर देन स्मॉल क्यू एंड बी, अ मूवेबल पॉइंट पी इज लोकेटेड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू स्फीयर्स। ये मूवेबल पॉइंट है, यहाँ पे कर रहे हैं। द पॉइंट पी इज डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये डिस्टेंस एक्स पर है, बिल्कुल सही नजर आ गया। करना क्या है? द ग्राफ
on figure 6.2 sketch a graph to show the variation with distance x, the electric potential between the two centers of two spheres. Electric potentials का graph बनाना. Okay, electric potentials का graph easy बनेगा अगर हम electric field strength का पहले graph बना लें. देखो बेटा light charges हैं, ये भी positive है, ये भी positive है. इनका इस पे ज्यादा चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट इसके करीब होगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड यू बनेगा ना. ओके, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाऊं सरफेस से तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते 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 जीरो हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे मैक्सिमम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जीरो हो गया. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है मैक्सिमम. ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है. पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा? पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल डिस्टेंस ग्रेडियंट होता है. ई नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है. तो यहाँ पे ई की वैल्यू पॉजिटिव है, उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा. पोटेंशियल मैक्सिमम है, यहाँ पे ई की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो होगा. यहाँ पे ई की वैल्यू बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब यूं बन गया. देखो बेटा, ये तो ई होता है ना, ये पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है. यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव मैक्सिमम है. ई की वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम है, ग्रेडियंट क्या होगा? ई का ग्रेडियंट क्या होगा? नेगेटिव मैक्सिमम. मतलब जहां पे ई की वैल्यू, ई क्या होता है? पता है? अब ई की वैल्यू इसका ग्रेडियंट होती है, तो इसका नेगेटिव ग्रेडियंट होती है. ई की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका ग्रेडियंट मैक्सिमम नेगेटिव होगा. यहाँ पे ई की वैल्यू जीरो है तो उसका ग्रेडियंट जीरो होगा. ई की वैल्यू क्या हो रही है? ई की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ग्रेडियंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है. तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है? ग्राफ विल बी लाइक दैट, उसकी शेप ऐसी होगी, एक आर से दूसरे आर तक, और न्यूट्रल पॉइंट ज्यादा इसके करीब होगा. शेप बनानी, यहाँ पे ग्रेडियंट मिनिमम कर दे. ऐसे बनेगा ऑलमोस्ट. और सरफेस है, मेटालिक सरफेस है तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. पोटेंशियल यूनिफॉर्म रहता है बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर. जहाँ तक सरफेस चल रही होगी उसका पोटेंशियल यूनिफॉर्म रहेगा. अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज. क्वेश्चन नंबर 7, अ सर्किट इनकॉर्पोरेटिंग एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज शोन. आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये कौन सा है? कंपेरेटर सर्किट है. द वेरिएशन विद टेम्परेचर थीटा ऑफ आर टी ऑफ द थर्मिस्टर इज शोन. ओके, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ऐसा चेंज हो रही है. द आउटपुट of the operational amplifier changes sign when the temperature of thermistor is 4 degree. 4 degree पे इसका साइन चेंज हो जाता है. 4 degree, कैलकुलेट रेजिस्टेंस आर. 4 degree पे साइन चेंज होता है, 4 degree पे साइन चेंज होता है. 4 degree पे रेजिस्टेंस कितनी है? 3.2. 4 degree पे इसकी रेजिस्टेंस है 3.2 किलो ओम्स. अच्छा, यहाँ पे चेंज कब होता है? साइन चेंज होता है जीरो के बाद. कभी यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट आ रही होगी, पॉजिटिव फाइव आएगी या जीरो आएगी या नेगेटिव फाइव आएगी. पॉजिटिव फाइव कब आएगी? जब ये वी पॉजिटिव बड़ा होगा वी नेगेटिव से, वी पॉजिटिव वी नेगेटिव से बड़ा होगा. पॉजिटिव फाइव कब आएगी? जब इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन नॉन इन्वर्टिंग. और जब ये वी इन्वर्टिंग इज लेस देन वी नॉन इन्वर्टिंग इज लेस देन वी इन्वर्टिंग. और जीरो कब आएगी? जब दोनों इक्वल होंगे. जीरो पे आगे साइन चेंज होता है ना, आप समझो दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए हैं. तो हमें करना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. हाँ, आर की वैल्यू निकालना है. हाँ भाई, इसका मतलब जितनी वोल्टेज है उतनी वोल्टेज है, जो इन दोनों की वोल्टेज रेजिस्टेंस रेशियो होगी वही इन दोनों की रेजिस्टेंस रेशियो होगी ना. भाई देखो ना, जो इसको वोल्टेज मिल रही है वो यहाँ पे,
वही इसको वोल्टेज मिलनी चाहिए, इन दोनों की सेम होनी चाहिए, वी नेगेटिव और वी पॉजिटिव को इक्वल होना चाहिए। ये जो इसको वोल्टेज मिलती है वो यहाँ पर आती है, जो इसको वोल्टेज मिलती है वो यहाँ पर आती है। इन दोनों को सेम वोल्टेज क्या मिलेगी जब ऊपर इन दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। हम लिख सकते हैं इसकी डिस्टेंस कितनी है, 3.2 किलो ओम। तो इसकी डिस्टेंस एक्स है, एक्स ओवर 3.2 इज इक्वल टू 2.4 ओवर 1.8। जो इनकी रेजिस्टेंस रेशियो है वही इनकी रेजिस्टेंस रेशियो होनी चाहिए, तभी वोल्टेज उसी रेशियो में डिवाइड होगी। जो यहाँ मिलती है वोल्टेज वो इधर आती है, जो यहाँ मिलती है वोल्टेज वो इधर आती है। साइन चेंज होने का मतलब हुआ जीरो, जीरो के बाद ही साइन चेंज होता है, जीरो होगी। तो जीरो कब होगी, जब ये दोनों इक्वल होंगे, और ये दोनों इक्वल कब होंगी, जब इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज इक्वल होगी। दोनों की वोल्टेज कब इक्वल होगी, जब इसकी रेजिस्टेंस रेशियो और इसकी रेजिस्टेंस रेशियो इक्वल होगी। सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो आ रहा है 4.3 किलो ओम्स, एक्स की वैल्यू आ रही है 4.3 किलो, इसकी वैल्यू आ रही है 4.3 किलो ओम्स, 4.3 किलो ओम्स, ठीक है। अच्छा आगे क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द आउटपुट इज +5 और -5 फॉर अ थर्मिस्टर टेम्परेचर ऑफ 2.5 डिग्री सेल्सियस। 2.5 डिग्री सेल्सियस पे, 2.5 डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 2.5 डिग्री सेल्सियस पे थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 3.2 से ज़्यादा है, ओके। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अच्छा इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जब इसकी रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले में ज़्यादा है तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है और यहाँ वोल्टेज कम मिल रही है, इसको वोल्टेज कम मिल रही है, इसका मतलब है ये वाली वोल्टेज कम है। 4 पे तो दोनों इक्वल थी ना, अब 2.5 पे इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा वोल्टेज इसको मिलेगी, इसको कम वोल्टेज मिलेगी, जो इसको वोल्टेज मिलेगी यहाँ पर आ रही है, वी नेगेटिव कम है, इसका मतलब है वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव, तो आउटपुट क्या होगी +5, आउटपुट विल बी +5। बेटा 4 डिग्री पे ये आउटपुट 0 आ रही है क्योंकि साइन चेंज होता है 4 डिग्री पे इन दोनों की रेजिस्टेंस रेशियो और इन दोनों की रेजिस्टेंस रेशियो सेम होती है, आपने इसकी रेजिस्टेंस निकाला। अब 4 डिग्री से टेम्परेचर कम, 2.5 डिग्री इसकी टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी। जब यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी। जब ये वोल्टेज कम हो जाएगी ये वोल्टेज लेस होगी, ये वोल्टेज मोर होगी, तो +5 आंसर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, द आउटपुट इज टू बी डिस्प्लेस्ड यूजिंग टू लाइट एमिटिंग डायोड्स जी एंड बी व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो 4 एलईडी जी को ऑन होना चाहिए और जब अबव होगा तो ब्लू। अच्छा जब 4 से कम है, जब टेम्परेचर कम है तो जी को ऑन होना है और जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेड को ब्लू को, ठीक है ये बनाने हैं आपने, ओके जी। जब टेम्परेचर 4 से कम है तो आउटपुट पॉजिटिव आ रही है, 4 से कम पे आउटपुट पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव में कौन सा, जब ग्रीन जला है, जब टेम्परेचर कम है तो आउटपुट पॉजिटिव है, ग्रीन होगा और ये ब्लू होगा। प्रोटेक्टिव डायोड लगाने की जरूरत है, 5 से ये नहीं होता। ठीक है आगे चलो, नेक्स्ट डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फोर्स विच इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग यूनिट करंट हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों चीजें बता दें। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट अ स्टिफ कॉपर वायर इज बैलेंस्ड
हॉरिजॉन्टली ऑन अ पिवट एज शोन, स्टिफ वायर है इस पिवट पे बैलेंस्ड एज शोन, सेक्शन पी क्यू क्यू आर एंड एस टी आर सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेक्शन पी क्यू क्यू आर एन एस टी यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, प्रोड्यूस बिटवीन द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू आर एस फ्रॉम अ 7.5 फ्रॉम द पिवट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से 7.5 है, ओके ऐसे व्हेन द करंट ऑफ 2.7 एम्पीयर इज पास, ये रिफर कर रहा है ये करंट बैलेंस मेथड हो गया ना, व्हेन द करंट ऑफ 2.7 एम्पीयर इज पास थ्रू द वायर अ स्मॉल मास 45 मिलीग्राम इज प्लेस्ड, ये स्मॉल मास प्लेस किया, अब यहां पे करंट पास किया है ना तो उस पे फोर्स नीचे लगी होगी ना, ये नीचे को गिरना चाहेगा उसको बैलेंस करने के लिए यहां पे लोड रखते हैं, ठीक है ओके। एक्सप्लेन व्हाई द करंट इज स्विच्ड ऑन, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन द करंट द सेक्शन पी क्यू एंड क्यू आर डज नॉट इफेक्ट द बैलेंस, एक्सप्लेन व्हाई व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन द करंट इन द सेक्शन पी क्यू एंड आर एस डज नॉट इफेक्ट द बैलेंस, हाँ जी ये बैलेंस में इफेक्ट भी नहीं कर रहे क्योंकि इस पर अगर फोर्स लगेगी बेटा एक पे अगर फोर्स लगेगी इस तरफ को तो एक पे फोर्स लगेगी इस तरफ को कैंसिल आउट, लेकिन यहां पे फोर्स लग रही है नीचे यहां पे फोर्स नीचे लग रही है, ये नॉर्थ हो गए साउथ तो पूछ क्या रहा है तो बताइए कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो बैलेंस हो रही है यहां पे नीचे लग रही है। अच्छा आगे कहते हैं नेक्स्ट The length of QR is 1.2. QR kya hai? QR is 1.2. Calculate the magnetic flux B. Calculate the magnetic flux B. Okay. Length aapko given hai. Magnetic flux nikalna hai. B nikalna hai. Okay. Yahan pe force pata hai na? Okay. Force into this distance 7.5 is equal to 8.8 into इसका वेट कितना स्मॉल है इसका वेट पता है 45 into 10 power minus 3 over kg में 1000 into 9.81 बेटा मूवमेंट लगाया ये बैलेंस्ड है ना क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो इससे f की वैल्यू आ जाएगी f की जगह पे क्या लगा देंगे B I L F की जगह पे आ जाएगा B I L अब I भी पता है आपको मेरे साथ करंट पता है 2.7 और ये QR की लेंथ भी पता है 1.8 ये वैल्यूज डालेंगे तो F आ जाएगा B आ जाएगा हमने क्या निकाला है हमने मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट पता है बेटा इधर जो फोर्स लग रही है वो जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है और ये जो वेट मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है इक्वल मोमेंट F into this is equal to this into इसका वेट अब F किसके लिए होता है बी आई है बी तो निकालना है आई भी है और लेंथ भी है लेंथ कर लेंगे इस सेक्शन की लेंथ सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अ हॉल प्रोब इज प्लेस्ड नियर टू द वन एंड ऑफ द सोलेनोइड दैट हैज टू बी वॉर्म ऑन अ स्टिफ आयरन कोर एज शोन सॉफ्ट आयरन कोर है हॉल प्रोब है वोल्ट मीटर कनेक्टेड है और सोलेनॉइड है द करंट इन द सोलेनॉइड इज स्विच्ड ऑन द हॉल प्रोब इज रोटेटेड अंटिल वीएच इज मैक्सिमम उसको रोटेट करते हैं ताकि मैक्सिमम आए द करंट इन द सोलेनॉइड इज देन वेरीड कॉजिंग अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू चेंज अब करंट चेंज करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज होगी द करंट इन सोलेनॉइड द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट बी इज शोन हाँ जी आपको गिवन है वो ओके बी और टी का ग्राफ बनाओ एट टाइम टी इज इक्वल जीरो हॉल वोल्टेज जीरो है ऑन फिगर 9.3 ड्रॉ अ लाइन टू शो द वेरिएशन बाय टाइम टी ऑफ द हॉल वोल्टेज फ्रॉम टी जीरो टू टी फोर फ्रॉम टी जीरो टू टी फोर हॉल वोल्टेज बता दो हॉल वोल्टेज
फिर दोबारा देखिए, हॉल प्रूफ रखी हुई है, रीडिंग आ रही है, उसको ऐसे एडजस्ट किया कि रीडिंग मैक्सिमम आए। अच्छा, द करंट इज स्विच्ड ऑन, द हॉल प्रूफ इज रोटेटिंग, ठीक है। द करंट इन द सोलेनोइड इज देन वेरिएड करी कॉजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू चेंज, द वेरिएशन विद टी द मैग्नेटिक फ्लक्स एट हॉल प्रूफ इज शोन, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे चेंज हो रहा है। ओके, एट टाइम टी द हॉल वोल्टेज इज वी नॉट। ओके, ड्रॉ लाइन टू शो द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द हॉल वोल्टेज। ओके बेटा, हॉल वोल्टेज मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है। वीएच क्या होता है, आई बी ओवर एन टी क्यू, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सब चीजें कांस्टेंट है। हॉल वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू बी। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है तो वो भी कांस्टेंट है, ये जीरो की तरफ जा रही है तो वो भी जीरो की तरफ जाएगी। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन बढ़ेगी, बढ़ेगी और डबल हो जाएगी। और टी थी तरफ यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। नेगेटिव नहीं होगी ना, जब ऑपोजिट करेंगे तो वोल्टेज नेगेटिव आने लग जाएगी। और वोल्टेज नेगेटिव तो नेगेटिव आ सकती है ना, पॉजिटिव साइड पे बना इसको नेगेटिव भी ले लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये नेगेटिव हो रही है तो जरूरी भी है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन बेटर क्या हम ऐसे बनेंगे, इसी के प्रोपोर्शनल बन गई। रेड वाले से बेहतर है वो वाला, ब्लू वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे ही बनेगा, बाकी किसी से कंफर्म कर लेते। ये बिल्कुल सही है, सही है। नेक्स्ट, द हॉल प्रोब इज रिप्लेस बाय स्मॉल कॉयल ऑन अ सेंसिटिव वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे ईएमएफ रिड्यूस हो गया, जब यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो गया। तो पहला ग्राफ कैसा था, पहला ग्राफ यूँ था, यूँ फिर यूँ फिर यूँ। तो अब ईएमएफ रिड्यूस क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट, बी टी का होता है फ्लक्स टाइम ग्राफ होता है तो बी फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ तक ग्रेडियंट जीरो है, ये जीरो है, उसके बाद भी जीरो है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव यूनिफॉर्म, ये क्या होगी, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, ये बता दें। जी बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा बेटा, नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। The root mean square value of the voltage of the sinusoidal signal is 9.99 and frequency is 50. आपको root mean square voltage given है और frequency given है. Derive an expression for the potential difference V of the power supply. Derive an expression for the variation with time t. Root mean square of the sinusoidal. तो क्या होता है? V is equal to V naught sine omega t. अब ओमेगा यहाँ से निकालने के लिए ओमेगा क्या होगा, 2 पाई एफ, और वी नॉट क्या होगा, वी आर एन एस होता है ना, वी नॉट और अंडर रूट 2। तो यहाँ से निकालने में वी आर एम एस क्या, वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, वी आर एम एस 9.9 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ये वाली वैल्यू है साइन ओमेगा 2 पाई 100 पाई इनटू 2। तो यार ये 14 ऑलमोस्ट, यानी कि 14 साइन ओमेगा 2 पाई एफ 2 इंटू 3.14 इंटू एफ 50 इंटू टी, 3.14 साइन 3.14 प्रूव। अच्छा, क्या कहते हैं, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सुपर इम्पोज ऑन द लार्ज कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक
फील्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ एमआरआई। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसलिए करते हैं कि हम पर्टिकुलर एरिया को डायग्नोज कर सकें एंड उसको हम चेंज भी कर सकें अपनी मर्जी का कर सकें, और क्या कर सकें, इंफॉर्मेशन कम एरिया क्या है पर्टिकुलर एरिया के एटम को रेजोनेट करा सकें, और द लोकेशन ऑफ डिटेक्शन कैन बी चेंज्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोकस करते हैं। जी बेटा, तो इसके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की? बोथ फील्ड्स आर फुली कैलिब्रेटेड, दोनों कैलिब्रेटेड होते हैं, तो द लोकेशन ऑफ डिटेक्शन कैन बी चेंज्ड एंड द लोकेशन ऑफ डी रेजोनेटिंग न्यूक्लियर कैन बी लोकेटेड। एवरी न्यूक्लियर विल हैव पर्टिकुलर यूनिक फ्रीक्वेंसी, तो उसकी पोजीशन को हम डिटरमिन कर सकते हैं इसलिए करते हैं, ताकि हम अपनी मर्जी के न्यूक्लियर को डी रेजोनेट करें, उनकी पोजीशन को लोकेट कर सकें। अ पैरेलल बीम ऑफ एक्स रे ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सब सॉफ्ट टिश्यू एज शोन। बोन भी है बीच में, द बोन इज 0.40 थिक एंड टोटल थिकनेस ऑफ द बोन इज 1.8, बाकी 1.4 रह गया, 1.8 The thickness of transmitted is I. The intensity of transmitted beam is I. The data for the linear attenuation coefficient mu of the bone and soft tissues are given this. Mu given. Calculate in dB. The intensity I over intensity I naught. dB में निकालते हैं. dB कैसे निकालते हैं जवाब? लॉस एंड गेन इन डीबी क्या होता है? 10 एल जी ऑफ आई वन ओवर आई टू इनटू इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड आई ओवर आई नॉट। ओके, इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड तो आई है, यहां से लेके इसको आप ऑप्शन देखो बोन एंड पर है ना, तो क्या होगी, इधर से जब इससे गुजरेगी सॉफ्ट टिश्यू से गुजरेगी तो भी एक्सपोनेंटली अटेनुएट होगी, तो आई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस म्यू एक्स किसका, सॉफ्ट टिश्यू का, और जब बोन से गुजरेगी तो फिर एक और बार ई पावर माइनस म्यू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा बोन का, ये सॉफ्ट टिश्यू का है, इसको एस लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, तो आई आई से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ई पावर म्यू x of soft tissue plus mu x of bone, और यहां पर इसका क्या लेना है, 10 log, कैलकुलेट करते हैं, जी सब वैल्यू देखे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो म्यू की वैल्यू भी पता है आपको, म्यू की वैल्यू पता है पर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर पता है, बोन का भी पता है, सॉफ्ट टिश्यू का भी पता है, बोन की थिकनेस भी पता है, बोन का एक्स भी पता है, और ये भी पता है, ये वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और उसका 10 लॉग ले लेंगे, इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आना चाहिए 0.0865, और जब ये 10 लॉग करके डालेंगे इसको यहाँ पे 10 लॉग 0.0865, तो फिर आंसर आ रहा है -11 dB, माइनस का मतलब था लॉस हो रहा है, सिग्नल वीक हो रहा है, पहले ज़्यादा था बाद में कम, कैलकुलेटर मुझे चेक करने तो क्या आंसर ये आता है, मैंने मार्किंग स्कीम देखी है। जी ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, मैथड यही है बेटा। उसके बाद क्या कहते हैं, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फोटोन, फोटोन क्या होता है, इट इज एन एनर्जी पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ विजिबल लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम सीन ऑन अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, डिस्क्राइब द एमिशन,
डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ विजिबल लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम एज सीन थ्रू अ डिफ्रैक्शन ग्रेडियंट. लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेडियंट किस चीज का? अपीयरेंस ऑफ विजिबल लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम एज सीन थ्रू डिफ्रैक्शन ग्रेडियंट. डिफ्रैक्शन ग्रेडियंट के थ्रू जब देखते हैं, आपको याद है डिफ्रैक्शन ग्रेडियंट में क्या होता है? ऑर्डर बनते हैं ना, जब यहाँ से यहाँ पे जीरो ऑर्डर बनता है तो ओवरलैप करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर में भी आपको लाइनें नजर आएंगी, सेकेंड ऑर्डर में भी आपको लाइनें नजर आएंगी, लाइन्स स्पेक्ट्रम. थर्ड जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे लाइन्स नजर आएंगी, डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइन्स नजर आएंगी, डिफरेंट कलर्स की लाइन्स नजर आएंगी. व्हाइट लाइट पास करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से तो आपको क्या नजर आएगा? व्हाइट लाइट फ्रॉम सन, नहीं सन से पास करेंगे तो पूरा स्पेक्ट्रम बनेगा, तो रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है. अगर आप हाइड्रोजन बल्ब से पास करेंगे अपीयरेंस ऑफ विजिबल लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, वो हाइड्रोजन बल्ब से आ रहे हैं, यहाँ पे बस लाइन नजर आएंगी डिफरेंट कलर्स की, जैसे डार्क होगा यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की लाइन नजर आएगी. इसके बाद क्या कहते हैं? द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स आर शोन. ठीक है, ओके. एन इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली एट एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, स्टेट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ दैट मे बी एमिटेड एज द इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट. टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी हो सकती है? टोटल नंबर ऑफ लाइन 85 एनर्जी है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है, या पहले यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, या फिर इसको इसको फिल करें, इसको फिल करें. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन्स इलेक्ट्रॉन एमिटेड. द स्टेट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ दैट मे बी एमिटेड, तो कितनी हो सकती है बेटा? टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ 6, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेवलेंथ्स. इसके बाद क्या कहते हैं? फोटोन रिजल्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन फ्रॉम -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ सैंपल ऑफ प्लैटिनम. द प्लैटिनम हैज वर्क फंक्शन 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. डिटरमिन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ प्लैटिनम. ओके, सर्फेस ऑफ प्लैटिनम मैक्सिमम एनर्जी निकालनी तो सबसे बड़ा एनर्जी चेंज देखेंगे. सबसे बड़ा एनर्जी चेंज ये वाला क्या फॉर्मूला होता है? E1 - E2 = hc/λ. अच्छा, हमने तो उसकी एनर्जी निकालनी है ना, पहले डेल्टा ही निकाल लें, बस उसकी डेल्टा ही निकाल लें. -0.85 - -13.6 प्लस हो जाएगा 13.6 - 0.85. कितनी एनर्जी आ रही है? 13.6 - 0.85 इट इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी हो सकती है. अब आपको पता है जो फोटोन की एनर्जी होती है एचएफ, वो क्या होती है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. फोटोन की एनर्जी कितनी है? 12.7. वर्क फंक्शन कितना है? 5.6. इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी 7.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. मैक्सिमम ने अगर लिखी थी ना तो सबसे बड़ा एनर्जी हम यूज करेंगे. द वेवलेंथ ऑफ फोटोन प्रोड्यूसिंग फोटो इलेक्ट्रॉन इन पार्ट वन. वेवलेंथ निकालनी है बेटा, वेवलेंथ निकालनी है आपने. तो आपके पास क्या है? E1 - E2 = hc/λ. E1 क्या है? -0.85. E2 क्या है? -13.6. इस सबको चेंज करेंगे जॉल्स में, 1.6 × 10⁻¹⁹ के साथ आ जाएगा. एच कितना है? 6.63 × 10⁻¹⁴. C 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा आ जाएगा. अच्छा, भी लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन देखिए. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन.
फ्यूजन क्या होता है? द ब्रेकिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू अप्रोक्सीमेटली सेम साइज न्यूक्लियाई. और फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन की बात करता हूं. द ब्रेकिंग ऑफ अ हैवी फ्यूजन होता है द कंबाइनिंग ऑफ टू स्मॉलर न्यूक्लियाई इनटू अ हैवी न्यूक्लियस. अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? अ न्यूक्लियर रिएक्शन मे विच मे अकर इन फ्यूचर टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी शोन. पार्टिकल जी कौन सा बन रहा है? देखो, ये टू पूरा हो गया, फाइव यहाँ पे होना चाहिए जीरो, और यहाँ पे आएगा वन. तो न्यूट्रॉन, इट इज न्यूट्रॉन. अच्छा, डेटा ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ शोन. स्टेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स. इसके जीरो है. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स कितना है? जीरो, क्योंकि सिंगल पार्टिकल है. स्टेट, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी दैट टेक्स प्लेस. कैलकुलेट द एनर्जी चेंज दैट टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन. एनर्जी चेंज निकालना है, मतलब कितनी एनर्जी निकलेगी इस रिएक्शन में, कितनी एनर्जी निकलेगी. तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे निकालना है. इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैसे आएगी? उसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर से, न्यूक्लियर नंबर से. इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू से. तो एनर्जी चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल आएगी? द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. एनर्जी इसके बाद क्या कहते हैं? Use your answer to determine the energy released when 2 gram of deuterium react with 3 gram of tritium. 2 gram of deuterium reacts with 3 gram of tritium. अब अपने energy release निकालनी है. वो तो एक nucleus को निकलने से इतनी आई थी ना. अब इसमें कितने nuclei होंगे ये हमें देखने पड़ेंगे. 2 gram मतलब 2 moles. तो energy released 2 ग्राम, तो इसका एक मोल है, इसका एक मोल है, इसका एक मोल, इसके एक मोल से रिएक्ट हो रहा है. तो वो तो एक एटम की एनर्जी है. तो टोटल एनर्जी रिलीज कैसे होगी? एवोगैड्रो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? ये एनर्जी रिलीज हो रही थी, एनर्जी रिलीज आई थी 2.817 इंटू 10 पावर माइनस 12 जूल्स. इसको मल्टीप्लाई कर 2.817 इंटू 10 पावर माइनस 12. तो टोटल एनर्जी रिलीज आती है. ये तो एक न्यूक्लियाई की थी ना. तो आपने देखना है इसमें कितने न्यूक्लियाई हैं. तो आपको नजर आ रहा है 2 ग्राम में 2 मोल हैं, इसके 3 ग्राम में 3 मोल हैं, और 3 ग्राम में 1 मोल है. 2 ग्राम का मतलब होता है न्यूक्लियन नंबर भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी इसका 1 मोल है. 3 ग्राम और ये भी 3, तो इसका भी 1 मोल है. 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे. थैंक यू बेटा.